नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पांचवी बोर्ड और आठवीं बोर्ड के प्रवेश पत्र, रोल नंबर और सेंटर वाइज प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे और कहां से डाउनलोड करेंगे, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय के जहाँ सेंटर है और जहाँ जो विद्यालय हैं वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे। और लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको विद्यालय का डैशबोर्ड दिखाई देगा। विद्यालय के डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर पांचवीं और आठवीं परीक्षा दिखाई दे रही है। यहाँ से आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलेंगे, इसलिए इस टैब को नहीं खोलना है। आपको यहाँ नीचे आएंगे तो मॉड्यूल लिस्ट दिखाई दे रही है, स्टार्ट डेट। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा स्तर मूल्यांकन पाँच, कक्षा पाँच प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा आठ के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र यहाँ से डाउनलोड करें। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आपसे स्कूल एज लॉगिन और एग्ज़ाम सेंटर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड, यानी जिससे आपने स्कूल में स्कूल का सारा दर्पण खोलते हैं वही लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना है। मेरे यहाँ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेव कर रखा है इसको, इसलिए भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप यहाँ पर स्कूल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही डालेंगे। फिर कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे और कैप्चा कोड इंसर्ट करने के बाद लॉगिन का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन, पाँचवीं और आठवीं एग्ज़ाम डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में जब आएंगे तो आपको तीन पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पैरेलल लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्ज़ाम एक्टिविटी नामक टैब दिखाई देगा। उस टैब में आपको पहला टैब दिखाई देगा सेंटर वाइज अटेंडेंस सीट, इस पर क्लिक करेंगे और सत्र सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड के बटन को, गो के बटन को दबा देंगे तो आपको यहाँ से आपके सेंटर पर जितने भी बच्चे आवंटित हैं उनका प्रवेश पत्र यहाँ से दिखाई देगा। ये अटेंडेंस सीट है, वापस देखिए अटेंडेंस सीट है। ये अटेंडेंस सीट को डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, आपको स्क्रॉल अप करेंगे, आप इसको ऊपर जाएंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। एक मिनट, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन। तो यहाँ से जब प्रिंट बटन दबाएंगे तो आपको ये अटेंडेंस शीट दिखाई देगी, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। और अभी अगर आप डायरेक्ट प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने पर आपको ये अटेंडेंस शीट पूरी ऐसे कैसे ही सेव हो जाएगी, और इसको अटेंडेंस शीट के नाम से सेव कर दें। ये सेव हो गई। अब दूसरी कक्षा का चयन कर लेंगे, पांचवी की जगह आठवीं कर लेंगे, गो के बटन को दबाएंगे और वही प्रिंट का ऑप्शन आप दबा देंगे और इसको भी आप सेव एज पीडीएफ या
प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस सीट पहले हमने सेव की थी 5वीं की, अब ये सेव कर लेते हैं 8वीं की। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि अटेंडेंस सीट हमने डाउनलोड कर ली है, विद्यालय अब विद्यालय परीक्षा केंद्र वार रोल नंबर आवंटन सूची, यानी आपके विद्यालय परीक्षा केंद्र पर कौन कौन से रोल नंबर आवंटित हैं उसकी सूची आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है, वही क्लास सेलेक्ट करनी है और एग्ज़ाम सेंटर वाइज और स्कूल वाइज दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि आप स्कूल वाइज करना चाहते हैं, यदि आपके यहाँ स्कूल है केवल सेंटर नहीं है तो आप इस पर चेंज करें, और यदि सेंटर है तो आप यहाँ पर, जैसे मेरे यहाँ सेंटर है तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ और ये पूरी रोल नंबर की लिस्ट आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ से आपको वह पुनः प्रिंट ऑप्शन पर जाना है और प्रिंट करके इसको भी क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। फिर क्लास 8 का चयन करेंगे और इसके लिए भी वही प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सेव एज पीडीएफ। फिर वापस इस स्टेप पर आएंगे, हमने ये डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड कर लिया, अब एडमिट कार्ड, वही प्रक्रिया है 5वीं के एडमिट कार्ड सेंटर वाइज मैंने किए क्योंकि मेरे यहाँ सेंटर है इसलिए मैं सेंटर वाइज, तो हाँ यहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपको एक एक को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे इस विद्यालय में 12 विद्यार्थी हैं, व्यू एडमिट कार्ड, अब इनको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा जिस स्कूल का है, देखिए मैं आपको नीचे लाता हूँ, यहाँ स्कूल का नाम नहीं आ रहा है, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। अभी ये लैंडस्केप में है तो इसको पोर्ट्रेट में कर लीजिए, पोर्ट्रेट में करने के बाद एक पेज पर आ जाएगा ये। ADMIT एडमिट कार्ड, तो ये प्रक्रिया थी। ऐसे करके हम सभी स्कूलों का कर लेंगे, जितने भी मेरे सेंटर पर विद्यालय हैं उनका सब काम कर लेंगे। उसके बाद में अंतिम ऑप्शन जो है इसमें है स्कूल वाइज एडमिट कार्ड, यदि आप सेंटर नहीं है स्कूल है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास का चयन कर लें, सेक्शन का चयन कर लें और ये इस समय जो भी प्रवेश पत्र आएंगे वो मेरे स्कूल के आएंगे। तो यहाँ पर नीचे आकर आप व्यू ऑल कीजिए, मेरे विद्यालय में 25 विद्यार्थी हैं 5वीं क्लास के अंदर, तो व्यू ऑल करने के बाद में इसको आप जब प्रिंट ऑप्शन देंगे, प्रिंट ऑप्शन देकर इसको भी आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से 8वीं का कर लेंगे, इसी प्रकार से 5वीं। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया जो आज अपडेट हुई है शाला दर्पण पर। समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी और आप इस प्रक्रिया को समझ पाए होंगे।
एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।